बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपसे हलीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हलीम या फिर दलीम, हम लोग ज़्यादातर दलीम ही कहते हैं इसे। तो ये जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही सादा है और फटाफट तैयार हो जाता है ये वाला दलीम। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्रीडियंट्स। इंग्रीडियंट्स में सबसे पहले जो हमारे पास दालें हैं वो देख लेते हैं। तो दालें मैंने ली हैं, चने की दाल ली है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, इसके अलावा चावल है। चावल जो है वो मैंने टोटा लिया है बारीक। और इसके अलावा जो पांचवा चीज़ है जो हम इसमें डालेंगे वो है दलिया। ये गेहूं का दलिया है। आम तौर पे जो घर में दलिया बनाया जाता है, ये वही वाला दलिया है जो गंदम से बनता है जी। उसके अलावा हमें चाहिए प्याज, 3 अदद हमने प्याज लिए हैं। लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 4 हरी मिर्चें ली हैं, 2 सुर्ख टमाटर लिए हैं। और स्पाइसेस में देख लेते हैं हमने जो चीज़ें ली हैं। सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लिया है गर्म मसाला, 1/2 टेबल स्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लिया है चिकन पाउडर और नमक लिया है, जिसको लेंगे हसबे जायका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारे पास दालें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनको अच्छी तरह से वाश करके हम भिगो देंगे 1 घंटे के लिए। इनको मैंने ऑलरेडी साफ़ किया हुआ है जी व्यूअर्स। दालें जो हैं ये मैंने साफ़ करके ली हैं और इनकी क्वांटिटी जो है 1/3 कप जो है वो हर एक की क्वांटिटी, मतलब आपने जितनी भी लेनी है, जो भी चीज़ लेनी है इक्वली लेनी है सारी चीज़ें, जितने भी आप इंग्रीडियंट्स इसमें डाल रहे हैं, दालें डाल रहे हैं, जो जो चीज़ें डाल रहे हैं। तो मैं इन्हीं से बनाती हूँ हमेशा, यही डाल के। तो ये हम सारी चीज़ें एक साथ ही डाल लेंगे एक बाउल में। ये देखें हमारे पास जो है मिक्स कर दिया है मैंने सबको, जो चीज़ें हमारे पास फुल मटेरियल जो है वो इतना आ गया है। तो अब हम इस चीज़ को अच्छी तरह से वाश करके 1 घंटे के लिए भिगो देंगे जी। हमने दालें जो हैं अपनी उनको धो लिया है और धो के भिगो दिया है पानी में। तो इसे हम रख देंगे एक साइड पर। तो अब हम कर लेते हैं दूसरी प्रिपरेशन जी। तो अब हम काट लेते हैं बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले मैं प्याज काट लूँगी। जी कटिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। तो अब सबसे पहले हम जो है इनको इस प्लेट में निकाल लेंगे, कटी हुई जो हमारी चीज़ें हैं। टमाटर को एक साइड पर निकाल देंगे प्लेट में। और अब सबसे पहले हम क्या है, लहसुन जो है उसका पेस्ट बना लेंगे। जी लहसुन का पेस्ट हो गया है तैयार, तो इसको निकाल लेंगे हम प्लेट में। ये हमारे पास जो अदरक थी उसकी भी पेस्ट बना लेंगे जी। अदरक का पेस्ट भी रेडी हो गया, इसको भी निकाल लेंगे। तो चलिए अब इसको पकाना शुरू करते हैं जी। हमने एक खुला बर्तन ले लिया है बड़े साइज़ का, ताकि हलीम जो है वो आसानी से पक सके। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। इसको हमने हल्का गोल्डन करना है प्याज का। ये देखिए मैं चम्मच से लदा लदा कर रही हूँ। प्याज हमारी हल्की गोल्डन होना शुरू हो गई है, थोड़ा सा हम और करेंगे इसको गोल्डन। हमने इसे ब्राउन नहीं करना, गोल्डन करना है। देखिए हल्की हल्की गोल्डन होगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और सूखे टमाटर जो हमने काटे थे। अब इसे इतना भूनेंगे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच पानी और इसे कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे जो है अच्छी तरह से गल जाए।
तकरीबन एक मिनट हो गया। टमाटर हमारे जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं, तो अपन हल्का हल्का चम्मच से हम इनको मैश कर लेंगे। और अब हम इसमें अपने सारे जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे और दो मिनट के लिए इसे भून लेंगे। स्पाइसेस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो स्पाइसेस जो है ज़्यादा जो है इसमें डाल सकते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस और आपकी फैमिली की पसंद है। हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है वो हलीम पसंद नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने स्पाइसेस जो हैं वो नॉर्मल जो है हिसाब से वो डाले हैं। फिर मैंने दोबारा से एक चम्मच पानी डाला है। अब इसे मैं भूनती रहूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं और सारे मसाले जो हैं वो बिल्कुल यकजान हो जाएं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमने डालना है इस हिसाब से कि जितना भी हमारे पास वो दालें हैं उसको आपने मेजर कर लेना है, नाप लेना है, तो इसका चार गुना जो है वो पानी होना चाहिए, तो इसी हिसाब से हमने जो है वो पानी डाल देना है। और मैंने ये तकरीबन 1.5 लीटर जो है वो पानी के अंदर डाल दिया है। 1.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होगा जो पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसको कवर कर दूंगी, जैसे ये बॉयल आएगा तो हम अपनी दालें जो है इसके अंदर डाल देंगे। पानी हमारा जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया। देखें बहुत ज़्यादा अभी खोलना शुरू नहीं हुआ लेकिन बॉयल आना जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसके अंदर जो है आप सारी दालें जो हैं जो हमने धोया है सारा कुछ तो वो डाल देंगे। अब इसको हिलाएंगे, हिला के दोबारा से कवर कर देंगे पकने के लिए। और जैसे ही इसमें बॉयल शुरू हो जाएगा तो आंच को जो है मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पे इसे पकने देंगे। और उतनी देर हमने पकाना है जितनी देर में कि सारी चीज़ें जो अच्छी तरह से गल नहीं जाती, ख़ासतौर पे जो चने की दाल हमने डाली है वो अच्छी तरह से गलनी चाहिए। जी व्यूअर्स, आधा घंटा हो गया पकते हुए, तो हम चेक कर लेते हैं। खुशबुएँ तो माशाल्लाह से पूरे किचन में क्या पूरे घर में फैली हुई हैं, तो ये देख लेते हैं हम। दाल जो है वो अभी पूरी तरह से नहीं गली, तो अभी जो है लेकिन देखें कि पानी इसमें कम है, पानी हमें मज़ीद डालना पड़ेगा। पानी डालने के लिए हमने क्या करना है कि लैदा बर्तन में पानी लेना है और उसे अच्छी तरह से गर्म करना है। पानी को फुल गर्म करके इसके अंदर डालेंगे। अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो फिर जो हमारी दालें हैं वो गलेंगी नहीं और बिल्कुल वो जो ऐसे होता है कि आपस में मैश हो जाती हैं, मिल जाती हैं, वो मिलेंगी नहीं, इस तरह से लदा लदा ही रहेंगी। तो आप इस तरह से अगर आपको पता ना चल रहा हो फर्स्ट टाइम पानी डालने का कि पानी कितना डलेगा, तो पानी आप इस तरह से बाद में भी डाल सकते हैं अगर पानी कम पड़ जाए और वो पूरी तरह से पके ना, तो पानी जो है उसको आपने गर्म करके डालना है। हमेशा कोई भी चीज़ पकाएँ तो उसमें पानी गर्म करके डालें। पानी हमारा गर्म हो गया तो अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। देखें पानी को मैंने फुल गर्म किया है, उसमें जो है बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी इसको जितना हमें ज़रूरत है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही दफ़ा में ज़्यादा पानी डाल लें तो इसके लिए आप चाहिए कि बर्तन जो है वो इससे बर्तन से डबल बर्तन हो, तो तब आप इसमें पूरा पानी डालें क्योंकि पानी जो है वो उबल के बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमने पानी जो है पहले नॉर्मल ही डाला था, तो अब जो है हमने पानी मज़ीद डाला है और आधा घंटा हम मज़ीद इसे पकाएंगे और फिर हमारी जो दलीम है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जी बस दलीम हमारा जो है वो रेडी हो गया है।
तो आप देख सकते हैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है उछल रहा है। इसे घोटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग जो हैं वो इसको घोटते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल जो है वैसे ही घुला हुआ है, तो इसे घोलने के लिए घोटने की ज़रूरत नहीं है। जी व्यूअर्स, हाफ चम्मच मैंने लिया है साबुत ज़ीरा, तो इसको मैं हाथ की हथेली पे लेके तो अच्छी तरह से मसल के इसके अंदर डालूंगी। इससे फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये देखिए, मसलने से इसका फ्लेवर जो है वो उभर के आता है। इसको मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूंगी इसके अंदर। इसके अलावा हम इसमें अंदर डालेंगे देसी घी। देसी घी मैंने मेल्ट कर लिया है। जी व्यूअर्स, हलीम हमारा जो है देखें रेडी हो गया है। तो मैंने जो है थोड़ा रनी रखा है, ठंडा होने के बाद जो है ये थोड़ा थिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं खुशबू बहुत अच्छी है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग ट्राई कीजिए। तो अब हम इसे सर्व करते हैं डिश में। अब हम इसके ऊपर हल्की सी गार्निश करेंगे, चंद पत्ते डाल देंगे धनिए के और देसी घी जो है उसको मैंने मेल्ट कर लिया, थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। देसी घी से टेस्ट जो है जब आप खाते हैं इसको, तो थोड़ा सा घी जो है वो गर्म करके ऊपर डालें तो क्या ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप चाहें तो पूरे में भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी च्वाइस है, लेकिन देसी घी से टेस्ट जो है वो और भी बढ़ के आता है। जी व्यूअर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की दलीम जो है वो रेडी हो गई है। तो आप इसे हलीम कहें या दलीम कहें, क्योंकि इसमें दालें डाली जाती हैं तो इसे हम ज़्यादातर दलीम ही कहा जाता है। तो इसको बनाना आसान है, बस एक दफ़ा बनने के लिए रखें और फिर दरमियान दरमियान में हिलाते रहें तो ये रेडी हो जाती है। कुछ लम्बा चौड़ा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत मज़े की बनती है। तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।